हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं रमन मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, शुरुआत इससे पिछली सीरीज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हो चुकी है और आज उसी के क्रम में हमारा अगला लेक्चर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान क्या रखना है क्योंकि इससे जुड़े सवाल लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासकर वनडे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या पढ़ेंगे आज, सबसे पहले उस बारे में बातचीत हो। आज हम देखेंगे तीन पार्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, भारतीय संविधान से, कौन कौन से। पहली चीज तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। हमने देखा तमाम वो चीजें संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स, तमाम वो चीजें देखा, सारी चीजें। आज हम बात करेंगे स्रोत, यानी संविधान बना क्या, संविधान सिर्फ हमारे भारतीयों के द्वारा ही बना दिया गया कि विदेशों से भी हमने योगदान लिया, इस बारे में बात करेंगे, इस विषय वस्तु को हम समझेंगे। दूसरा बात हम करेंगे संविधान के भाग, और तीसरा पॉइंट जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपका अनुसूची। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग से सवाल आपके पीसीएस अपर, पीसीएस लोअर, ऑल जितने भी वनडे टाइप्स के एग्जाम होते हैं सभी में पूछा जाता है, बहुत जरूरी है। आपको लगातार बने रहना है हमारे साथ और शुरुआत करते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय संविधान के स्रोत की, भारतीय संविधान के स्रोत पर जो सबसे ज्यादा गहरा असर डाला है, गहरी छाप डाला है, वो है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम आपका इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भारतीय संविधान के मामले में कि लगभग 250 अनुच्छेद सीधे के सीधे भारतीय संविधान जब बना तो उसमें 1935 के इंडियन गवर्नेंस एक्ट से सीधे सीधे उन पर या तो थोड़ा सा परिवर्तन करके या फिर उनको सीधा सीधा हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो स्रोत के रूप में अगर हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा गहरा रोल आपका डाल रहा है वो है 1935 का इंडियन गवर्नेंस एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इस भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद या तो उसमें कुछ परिवर्तित करके या फिर उनको सीधा सीधा भारतीय संविधान में शामिल किया हमारे संविधान निर्माताओं ने। विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का आकलन किया, उनमें क्या चीज रही, भले ही संविधान पर यह आरोप लगता रहा हो कि संविधान को बनाने में अभारतीयता ज्यादा है, लेकिन अगर आप संविधान के मूल रूप को समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो गया दूसरे देशों के संविधान से कुछ विचारों को लेकर, लेकिन जिन विचारों को हमने भारतीय संविधान में प्रतिपादित किया उस विचारों का इतना व्यापक स्वरूप विश्व के किसी भी संविधान में आपको देखने को नहीं परिलक्षित होगा। अब बात करते हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जहां से भारतीय संविधान की बहुत सारी बखूबियां उन देशों से हमने सीखने को लिया। आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तीसरी बैठक, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल, हमारा संविधान बनना कैसे चाहिए, किन किन उद्देश्यों को लेकर संविधान का निर्माण हम करेंगे, ये चीज कब बनी, ये आई थी तीसरी बैठक में 13 दिसंबर की बात है और उसको हमने नाम दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में आज हमारे वो संविधान में इतना व्यापक रोल अदा करती है कि भारतीय न्यायपालिका है वो भी कुछ भी करने से पहले प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठाती है। ठीक है, क्योंकि पावर न्यायपालिका को है, ऐसी तमाम चीजें कि न्यायपालिका आखिर आई कहां से, ठीक है, प्रीएम्बल कहां से आई, प्रीएम्बल की लैंग्वेज कहां से आई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से आई, ज्यूडिशियल रिव्यू कहां से आया, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से आया, रूल ऑफ लॉ कहां से आया, अमेंडमेंट कहां से आया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट्स, हमारे मुद्दे, हमारे इश्यूज कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको हम अदर कंट्रीज से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करते हैं, दूसरी तरफ होगा कंट्रीज जहां से हमने लिया है उन मुद्दों को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जिनके हम उपनिवेशिक शासन के तौर पर कार्य कर रहे थे, यानी हम औपनिवेशिक शासन के भुगतान जो है एक तरीके से भुगतगार रहे बहुत सारे सालों तक। लगभग आप जानते हैं जब से 1600 से स्टार्ट होता है और जब हमें आजादी मिलती है तब तक, यानी देश ब्रिटेन।
ब्रिटेन के शासन के हम थे चूंकि आदि, विश्व में तमाम तरीके के शासन हैं, बहुत तरीके के। अमेरिका का संविधान उठाइए, आप पढ़िए, अमेरिका की व्यवस्था उठाइए, भारत की व्यवस्था उठाइए, ब्रिटेन की व्यवस्था उठाइए, कनाडा की व्यवस्था उठाइए, मतलब इतनी व्यापकता आपको मिलेगी, इतने ज्यादा अलग अलग पॉइंट हैं कि उस विविधता को आपको समझने के लिए एक अच्छा प्रयास करना पड़ता है। यानी कोई शासन आपका एक तरीके से फेडरलिज्म को बढ़ाता है, संघात्मक है, कोई एकात्मक है। भारतीय संविधान एक ऐसी मिलीजुली व्यवस्था है जिसमें संघात्मकता भी है, एकात्मकता भी है। यह मैं डिस्कस करूंगा आपसे जब मैं बात करूंगा कि भारतीय संविधान का नेचर क्या है, यानी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो मेरा अगला लेक्चर होगा। आज हम बात करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? संसदीय प्रणाली हमारी, ठीक है, संसदीय प्रणाली को, भारतीय संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है वो जिस जगह पर है लंदन में, वो जगह वेस्टमिंस्टर है, तो वो वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहती है, कहलाती है। ब्रिटेन से लिया हमने संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, यानी कानून का हमारे ऊपर शासन होगा, विधि का शासन। अगली चीज, लोकसभा में आप जानते हैं मंत्रिमंडल सिस्टम कार्य करता है, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया मंत्रिमंडलीय प्रणाली। अगली चीज देखें, एकल नागरिकता, यह भी हमने ब्रिटेन से लिया, क्योंकि ब्रिटेन और अपने यहां सिंगल सिटीजनशिप है, वहीं अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और एकल नागरिकता। दूसरी चीज आती है इसमें द्विसदनीय व्यवस्था, चाहे राज्य की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, अपने यहां दो सदन कुछ राज्यों में हैं और केंद्र में तो यह व्यवस्था है ही, यानी लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का उद्भव। ठीक, द्विसदनीय प्रणाली हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में हालांकि अपने यहां लोकसभा राज्यसभा नाम है, वहां दूसरे नाम है। यह सारी चीजें बात करेंगे हम इस जो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें द्विसदनीय प्रणाली के अलावा, तो इसमें आता है एक संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद को विशेष अधिकार होते हैं उन चीजों के बारे में भी जो कुछ भी हमें करना था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ली है कहां से? ये लिया है हमने ब्रिटेन के संसद जो है संविधान से। और एक चीज बात करें, परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख, इस व्यवस्था को भी हमने ब्रिटेन की व्यवस्था से अपनाया है। तो इतनी ऐसी आपकी चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, जो हमने ब्रिटेन के संविधान से सीधे सीधे भारतीय संविधान में शामिल किया है। ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखें, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख, ये इतनी व्यवस्थाएं हमने ले ली ब्रिटेन के संविधान से। दूसरी अब हम बात करने जा रहे हैं एक चीज इसमें और, जैसे विधि का शासन और दूसरी चीज जो आपका लॉ का प्रोसीजर होता है, यानी कानून का एक प्रोसीजर है। कानून ऐसे नहीं कि जबरदस्ती बना दोगे, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं, तो अपने रूल ऑफ लॉ है, लेकिन विधायी जो प्रक्रिया है यह भी ब्रिटेन की प्रक्रिया है। विधायी प्रक्रिया जो हमने अपनाया है यह ब्रिटेन की प्रक्रिया से है। यानी क्या प्रोसीजर होंगे किसी भी कानून को बनाने के लिए? जो कानून बनेगा उसका शासन होगा कि तानाशाही होगी? इन सारी चीजों को हमने शामिल किया ब्रिटेन से। हालांकि ब्रिटेन में क्या था? राजशाही। हमने सारी चीजें ली, लेकिन इतनी व्यापकता लागू कर दी कि पूरे विश्व का अगर आप संविधान उठा लीजिए तो भारतीय संविधान एक आदर्श स्थिति में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे देश की, वो देश आपका है अमेरिका। अमेरिकी संविधान से हमने बहुत सारी चीजें अपने यहां शामिल की हैं। अब बात करते हैं अमेरिका से कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हमने भारतीय संविधान में रखे। सबसे पहले मैंने जिक्र किया शुरुआत में ही कि संविधान सभा की तीसरी बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज अगर हम यूएस से देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो हमने सबसे पहली चीज ली है प्रियम्बल, यानी उद्देश्य क्या, उद्देशिका। कंफ्यूज मत होइएगा यहां, क्यों? क्योंकि उद्देशिका का विचार सिर्फ हमने अमेरिका से लिया है, उद्देशिका की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है।
ये क्वेश्चन पूछता है कि उद्देशिका का विचार कहां से लिया, अमेरिका से, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा लिखी है, लैंग्वेज लिखी है, वो लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, आगे मैं बताऊंगा। तो प्रियम्बल, सबसे पहले हम ये जाने कि जो आइडिया प्रियम्बल है ये हमने लिया अमेरिका से। अमेरिका से हमने दूसरा पॉइंट क्या लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वहां न्यायपालिका बहुत ज्यादा प्रभावी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने लिया अमेरिका से। ये पॉइंट हमारे पास हो गए, यानी दो पॉइंट्स, इनसे संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। तीसरी चीज, जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता आई तो इसी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहुत बड़ा व्यापक रूप देता है न्यायिक पुनर्विलोकन, ज्यूडिशियल रिव्यू के तौर पर आप जिसको जानते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी न्यायपालिका को कानूनों को फिर से समीक्षा करने की जो है अधिकार है। जो उसने फैसले सुनाए हैं उन फैसलों पर वो पुनः विचार कर सकती है, ये न्यायपालिका का अपना अधिकार है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है ये हमने अमेरिका से लिया। अगर चौथी बात करें, मूल अधिकार, सबसे पहले मूल अधिकार विश्व में देखा जाए तो अमेरिकी संविधान में ही मिला था, लेकिन अमेरिकी संविधान में उतने फंडामेंटल राइट्स नहीं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देते हैं। हमारे देश के संविधान में मूल अधिकारों की इतनी व्यापकता है कि आज भारत का हर एक नागरिक, चाहे जिस वर्ग से हो, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा रोल अदा करते हैं। अगर कोई भी आपके अधिकार आपको कोई जबरदस्ती नहीं दे रहा, आप शोषित वर्ग से हैं, यानी आपके अधिकारों का शोषण हुआ, तो आप न्यायपालिका के तहत सीधे देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाकर उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह व्यवस्था हमारे यहां है, ठीक है। आगे इसके बाद अगर हम बात करें कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया, तो इसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिकी संविधान से सीख कर लिया है, वहां से देखा कि वहां वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, तो हमने भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ली। हालांकि हमारे यहां वाइस प्रेसिडेंट कार्य क्या करता आप जानते हैं, राज्यसभा का उपसभापति के तौर पर कार्य करता है, उसका मुख्य कार्य वही है। वाइस प्रेसिडेंट की हमने पोस्ट ले ली। दूसरी चीजें, अन्य जो अमेरिकी संविधान से हम लेते हैं, उनमें बहुत बड़ी व्यापकता यह है कि प्रेसिडेंट जो आपका है राष्ट्रपति, ठीक, हम इनमें किन किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं उन्हीं चीजों को हमने लिया, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और अगली चीज जो है आपका हाई कोर्ट, उच्च, आप एक तरीके से उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इनके जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जितनी है, यह हमने कहां से लिया, अमेरिकी संविधान से, ठीक है, जिसको आप महाभियोग के नाम से जानते हैं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इन सबको हटाने की व्यवस्था हमने लिया अमेरिका से। तो अमेरिका से जो अपने यहां सोर्सेस के तौर पर आए, वे इश्यूज, वे सब्जेक्ट्स, यानी उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, फंडामेंटल राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, प्रेसिडेंट, और आपके जितने भी जज होते हैं एक तरीके से, चाहे सीजीआई है या अन्य जितने 30 हैं वो सब, या उच्च न्यायालय के जितने आपके जज हैं, उन सभी को हटाने की प्रक्रिया यानी इंपीचमेंट हमने कहां से लिया, अमेरिकी संविधान से। अब बात करते हैं अगला देश, आयरलैंड की। आयरलैंड जैसे देश से भी हमने कुछ सीखा, और आयरलैंड से जो चीजें हमने ली है उसका अपना बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, ना कि संघ अपने यहां है, अपने यहां संघवाद नहीं है, अपने यहां संघात्मक शासन के साथ साथ एकात्मक की ओर झुकाव है, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने एक बहुत बड़ी व्यापक चीज ली है, वो हमने क्या लिया है, आयरलैंड जैसे देश से हमने लिया है नीति निदेशक तत्व। ये कई बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, नीति निदेशक तत्व को हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। दूसरी चीज, आयरलैंड के संविधान से हमने कुछ और व्यापकता देखी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली एक तरीके से, इसमें जो निर्देशक मंडल बनता है, इस निर्देशक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन नहीं शामिल होगा, ये सारे जो प्रक्रिया चलती है ये आयरलैंड के देश से लिया। और आयरलैंड से एक तीसरी बात ली गई है, वो बात ये है कि राज्यसभा में कुछ विशेष स्थान होते हैं, राज्यसभा में कुछ व्यक्तियों के लिए या कुछ स्थानों का मनोनयन जो होता है, ठीक है,
ये जो प्रक्रिया राज्यसभा में कुछ विशेष लोगों को मनोनयन होता है, प्रेसिडेंट को पावर है, कला साहित्य विज्ञान इन क्षेत्रों में जो व्यक्ति आपके आते हैं उन व्यक्तियों का वो प्रेसिडेंट जो है वहां पर मनोनयन करता है। तो ये सारे व्यक्तियों का मनोनयन नहीं है, लेकिन जो कुछ व्यक्ति इसमें विशेष योगदान रखते हैं, इस पॉइंट को हमने कहां से शामिल किया है, आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से ये पॉइंट आपका बहुत जरूरी है और बहुत डीप अगर पूछ लिया तो ये पूछ लेगा, ठीक है। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देश कनाडा, यानी कनाडा के तौर पर। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या आखिर सीख ली, इनको भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कनाडा के संविधान की, अगला देश कनाडा, कनाडा से हमने सबसे पहले चीज लिया सशक्त केंद्र के साथ, यानी हमारे यहां जो केंद्र सरकार है बहुत ज्यादा सशक्त है, ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ राज्यों की पावर, राज्यों की शक्ति, यानी केंद्र तो अपने यहां बहुत सशक्त है ही, लेकिन राज्यों को भी अपने यहां पावर दी गई है, या आप इसको बोल सकते हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली। इस तरीके से अगर इसको किया जाए, यूज किया जाए, संघीय व्यवस्था कह सकते हैं। ये जो व्यवस्था है, हमारा केंद्र कभी कभी इतना सशक्त हो जाता है कि हमें लगता है भारत देश संघात्मक शासन है, लेकिन कभी कभी ऐसी लचर व्यवस्था अपने यहां है, एक बीच का रास्ता है कि लगता है भारत देश में जो है एकात्मक शासन है। हालांकि अपने यहां दोनों ऐसी चीजें नहीं मिलती, अपने यहां दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे संविधान को जानने वाले विशेषज्ञ हैं जिनके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, उन्होंने भारतीय संविधान की अलग अलग परिभाषाओं को दिया है। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, उस पर उन्होंने रिसर्च किया और तमाम ऐसी बातें मिली जिन पर वो मजबूर हो जाते हैं कि भारतीय संविधान अपने आप में वाकई विश्व में अनोखा संविधान है। दूसरी चीज अगर हम कनाडा के संविधान से देखें तो एक सबसे बड़ी बात, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का जो पूरा प्रोसीजर है ये हमने कहां से लिया है, कनाडा से। ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई, कनाडा से। अगली चीज जो हमने कनाडा से सीखा, कनाडा से हमने ये भी लिया कि राज्यपालों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जो होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है कहां, राज्यों में। ये जो विचार आया ये कनाडा से है, राज्यों में नियुक्ति, ये विचार हमने कहां से लिया, ये कनाडा के संविधान से लिया। तो कनाडा के संविधान से तीन चीज आपने किताब में पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छी बात है आप पढ़ गया, लेकिन मैं जो यहां पर बता रहा हूं ये पॉइंट्स आपके बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, यानी आप छोटे एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा बढ़ा के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोअर का एग्जाम अभी तक पीएससी कराया है, अगर उस टाइप से क्वेश्चन मिले तो उनमें इन सब को इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आपका लेवल बढ़ा रहा हूं यहां पर, ठीक है। कई ऐसे पॉइंट्स किताब में तो वन लाइनर लिख देता है, लेकिन उससे हटके आपको कुछ मिलना चाहिए, मैं उस चीज पर फोकस हूं। तीन चीजें दिमाग में रखें, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपालों की राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में नियुक्त, ये हमने व्यवस्था ली कनाडा से। बात अगले देश की, अगला देश ऑस्ट्रेलिया आपका। कुल 9 ऐसे देश हैं जहां से हमने ये मेन मेन पॉइंट्स को लिया है, उन्हीं से सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की सबसे पहले मैंने जिक्र में ही बताया था कि अपने यहां फंडामेंट एक तरीके से जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है वो कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसको आप सबसे पहले नोट डाउन करें, प्रस्तावना की भाषा किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है प्रस्तावना की भाषा। दूसरी चीज अगर हम बैठे तो इसमें एक आपका फंडामेंटल राइट्स है आपको मिला, व्यापार वाणिज्य, ठीक है, इन सब के लिए आप देश के किसी भी राज्य में आने जाने की आपको स्वतंत्रता है। तो ये जो स्वतंत्रता मिली है, यानी वाणिज्य व्यापार के लिए समागम की स्वतंत्रता, समागम मतलब आने जाने की स्वतंत्रता, यह जो विचार आया है यह हमारा कहां से आया है, यह विचार हमारा आया है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक बहुत विशेष बात और ली गई, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ सेक्शन, जो आपके दोनों हैं लोकसभा राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, एक कई बार पूछा गया, संयुक्त बैठक का प्रावधान यह हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं अगले देश की जो आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक चीज
समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है इस सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के जो है संविधान से अपने भारतीय संविधान में शामिल किया है। अब बात करते हैं अगले देश की। अगला देश आपका है जर्मनी, अगला देश आपका है जर्मनी। जर्मनी से आप किताबों में सीधा सीधा लिखा पढ़ते हैं कि जर्मनी से आपातकाल लिया गया, आपातकाल उपबंध हमने लिया है, ठीक है। जर्मनी से आपातकाल में जो उपबंध होते हैं, यानी आपातकाल लागू हुआ तो कौन पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सब कुछ, यानी प्रेसिडेंट आपका सब कुछ हो जाता है। तो आपातकालीन जो उपबंध हैं उनको हमने कहां से लिया है, जर्मनी से। और आपातकाल में अगर हम ये देखें, आपातकाल उपबंध, इसमें विशेष तौर पर क्या, वित्तीय आपातकाल हमने यहां से नहीं लिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, वित्तीय आपातकाल को छोड़कर बाकी जो आपातकाल है वो सब हमने यहां से लिया है जर्मनी से। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले देश की बात करते हैं। अगला देश आपका है जापान। जर्मनी के बाद अगला देश जापान। जापान से हमने क्या सीखा, जापान से हमने सीखा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के द्वारा जो अपने यहां एक सिस्टम लागू किया गया है उस सिस्टम के अनुसार देश चलता है। तो इस चीज को हमने लिया जो है जापान के संविधान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको हमने सीख लिया जापान के संविधान से। अगली बात करते हैं आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने दो पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की, तो यहां से तो पहले चीज हमने लिया क्या, संशोधन, संविधान का संशोधन, कई बार पूछा गया है सवाल। और दूसरी चीज राज्यसभा में जो है निर्वाचन कैसे होना चाहिए, इन सारी चीजों की व्यवस्था हमने लिया साउथ अफ्रीका के संविधान से। अब बात करते हैं सबसे लास्ट आपका देश, सबसे लास्ट आपका देश है यूएसएसआर, ठीक है। जब ब्रिटेन, एक तरीके से रूस, ये तमाम ऐसे देश जब एक संघ बनाकर रहते थे, तो उस समय उनका जो संविधान था उस संविधान से हमने कई चीजें ली थी, जैसे मूल कर्तव्य। इसका आप ध्यान रखिएगा कि अगर मूल कर्तव्य आपको दिया और ऑप्शन में रूस दिया है तो आप रूस मारेंगे, ठीक है। स्पेशली मूल कर्तव्य आपके रशिया से लिए गए हैं। और दूसरी चीज अगर हम इसमें बात करें तो प्रस्तावना में, यह क्वेश्चन आया है, प्रस्तावना में जो एक जो है न्याय का आदर्श है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, हम प्रस्तावना में तीन तरीके के न्याय दिलाने की बात करते हैं भारत के हर नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीन न्याय हम बात करते हैं कि भारत के हर व्यक्ति को इन तीन न्याय को दिलाएंगे, तो वो जो न्याय है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये पूछा गया है, ठीक है। ये हमने कहां से लिया, यूएसएसआर के संविधान से। तो बात हो गई सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ओर, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।